मोहतरम सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्तकबाल है आपका निदा मीडिया यूट्यूब चैनल पर। नाज़रीन, घर लौट रहे मस्जिद के इमाम पर गुंडों ने किया हमला, गंभीर रूप से इमाम साहब हुए घायल। आपको बता दें कि मुसलमानों के साथ आए दिन मोबलिंचिंग जैसी घटना होने की तो आम बात हो ही गई है। अभी ताज़ा मामला फिर पश्चिम बंगाल के एक ऐसे गाँव की है जहाँ पर मस्जिद के इमाम पर हमला किया गया। यह हमला कुछ हिंदू कट्टरपंथियों ने किया। इस घटना में इमाम बुरी तरह घायल हो गए हैं। दरअसल इमाम पर हमला तब हुआ जब वो मस्जिद से अपने घर जा रहे थे, तभी कुछ गुंडों ने उनको घेर लिया और उन पर हमला कर दिया। गुंडों को हमले को लेकर इमाम बुरी तरह घायल हो गए, यानी इमाम की जो वीडियो भी बनाई गई, जो घायल हुए थे इमाम साहब, उनकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल की गई। पश्चिम बंगाल में आराम बाग बताया जा रहा है, आराम बाग के मस्जिद के इमाम पर घर लौटते समय गुंडों द्वारा हमला किया गया जिसमें वो बुरी तरह जख्मी हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इमाम पर हुए हमले के बाद ग्रामीण की मांग है कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। देखिए नाज़रीन, पश्चिम बंगाल में भी मुसलमान सुरक्षित नहीं है, जबकि वहाँ पर बीजेपी की सरकार मौजूद नहीं है, तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी की सरकार है, फिर भी वहाँ पर मुसलमान जो है वो सुरक्षित नहीं है। तो नाज़रीन देखिए कि इमाम साहब पर किस तरीके से हमला किया गया और मुसलमानों पर लगातार हमले पर यानी मोब लिंचिंग की जा रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। इमाम साहब के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला इनकी हिफाजत अता फरमाए और जल्द अज जल्द सेहत याबी अता फरमाए। तो नाज़रीन, इस खबर के मुताल्लिक आपकी क्या राय है कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।